बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस इंडिया का नंबर वन शो, पता नहीं ऐसी झूठी अफवाह कौन फैला रहा है मार्केट में। चलो खैर ये सब तो फिर भी ठीक था, लेकिन एक और नया सीजन, साला बिग बॉस आया मोहल्ले में आने वाला रद्दी वाला जो वीकली आता है हर हफ्ते एक नया सीजन। साला अभी पिछले हफ्ते तो वो सीजन खत्म हुआ था बिग बॉस का, जिसमें वो विनर बना था, क्या नाम था उसका, नहीं शायद विनर बनी थी, लड़का था लड़की थी, क्या नाम था वो यार, चलो छोड़ो यार कौन ही याद रखता है इन सबको। वैसे भी यूपीएससी एग्जाम में तो आने वाला है नहीं है, और बिग बॉस तो आता जाता रहता है क्योंकि हमारे देश में बेरोजगारी इतनी है, और इस शो में जाने के लिए कौन सा कोई टैलेंट की जरूरत पड़ती है, बस वो यही चेक करते हैं कि तुम पे एक आधा क्रिमिनल केस चलना चाहिए, उसका यही काम है। हाँ वैसे और एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं हम उस शो से जिसके होस्ट भी दो केस चल रहे हो। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? अरे नहीं नहीं सल्लू भाई, आपको आने की जरूरत नहीं है, अब हम स्वयं अपनी पे आ चुके हैं। वाह भाई वाह, पहली बार बिग बॉस के इतिहास में कोई दी ओरिजिनल डिजर्विंग कॉन्टेस्टेंट आया है। वैसे देखा जाए तो बाकी के कॉन्टेस्टेंट्स भी है तो इंसान के रूप में गधे ही, जो फेमस होने के चक्कर में इस शो पे आ गए हैं। इनको लग रहा है कि बिग बॉस में जाने से हम लोग फेमस हो जाएंगे। अबे सीजन 13 के अलावा किसी को कॉन्टेस्टेंट या विनर तक का नाम भी याद नहीं होगा, नहीं यकीन होता तो अपने आप से खुद पूछ लेना। साला इनसे ज्यादा फेमस तो वो तंबाकू छोड़ो ऐड वाला मुकेश है। मेरा नाम मुकेश है, मैंने 3 साल घूमकर चबाया, अब मुझे कैंसर हुआ है, मेरा ऑपरेशन वाला है। अरे बस बस भाई, मेरी ऑडियंस ऑलरेडी इतनी समझदार है क्योंकि वो लोग बिग बॉस नहीं देखते। आप मानेंगे नहीं लेकिन आई एम अ बिग ह्यूज फैन ऑफ बिग बॉस एंड आई हैव वॉच्ड ऑल द सीजंस। अच्छा तो भाई हमें ये तो पता चल गया कि आंटी जी पे कोई काम धंधा नहीं है, वो अपने घर में आराम से बैठ के बस बिग बॉस के सारे सीजन देखती हैं। लेकिन हैरानी की बात तो ये है आंटी जी कि बिग बॉस के सारे सीजन देखने के बाद भी अब फिर बिग बॉस में आ गई। इससे हमें पता चलता है कि आंटी जी पे सिर्फ काम की नहीं दिमाग की भी बहुत ज्यादा कमी है। मैं ना आपकी बड़ी फैन नहीं हूँ, मतलब मैं अपने दिल के नीचे से आपको प्यार करती हूँ, लाइक फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट, या लाइक फ्रॉम माय लिवर किडनी लंग्स सबसे प्यार करती हूँ। एंड सर वो ना नॉर्मल वाला फैन नहीं, मतलब वो फैनेटिक साइकोटिक वाला फैन। ये मैडम पेशे से एक्टर हैं और इनकी 4 मूवीज आई हैं अब तक और वो चारों ब्लॉकबस्टर फ्लॉप थी। ये तो तुम्हें इसे देख के पता चल ही रहा होगा, साला इसकी एक्टिंग देखने के बाद तो सलमान भाई को भी अपनी एक्टिंग के दिन याद आ गए, वो भी कह रहे हैं इसको देख के कि खराब एक्टिंग तो मैंने भी बहुत करी है लेकिन इसका कुछ ज़्यादा ही नहीं हो रहा। आई नो कि ये काफ़ी बुरा जोक था लेकिन एटलीस्ट उसकी एक्टिंग से तो अच्छा ही था। जीते जी सर, तब कोई नहीं जानता था लेकिन जैसे आपकी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है वैसे ही आप बिग बॉस में पहुंच गए। वैसे माइटी राजू ओ सॉरी रजत भाई, यार तुम बिग बॉस में क्यों पहुंच गए, तुम्हारा यहाँ पे क्या काम है? नहीं क्योंकि जिस काम में तुम स्पेशलिस्ट हो, मेरा मतलब है बच्चों की कुटाई करना, वो तो तुम यहाँ पे कर नहीं सकते। कोई हो कहीं से हो घंटा फर्क नहीं पड़ता, पीछे कितनी बैकअप है, कितना पैसा है, कितने फॉलोवर हैं, एक ही दिल है, धड़कन रुकते ही खत्म हो जाए। भाई मुझे माफ कर दो भाई, मेरे मुंह से निकल गई गलती से, आज सुबह कभी किसी को नहीं बोलूं भाई। चलो भाई ये मीम वगैरह तो फन के लिए था लेकिन एक बात मैं बता दूं कि मैं कैरी मिनाटी नहीं हूँ। पापा मार्केट चले गए, मैं गाड़ी निकालने गया तो जैसे ही मैं निकाल रहा था बच्चे एक साधु आता है कि पहलवान तेरा भला हो, तो मैंने की तू रुक भाई भला करते, मेरे को तो ना आप शक्ल से पहचान लेते हो कौन असली है कौन नकली है, तो मैंने की चलो एक बारी घर चलते हैं खाना खिलाता हूँ पापा। घर में बिठाया उसने अपने साथ वाले 2 बंदे और घर में बुला लिए, तो मेरे घर में 3 बंदे थे, तो मैंने मेरा गेट अंदर से बंद करा उसको लॉक करा, घर में हम 4 लोग थे, हथौड़ा मेरे हाथ में था, मैंने की प्यार से एक बारी हनुमान चालीसा सुना दो, तो उनको हनुमान चालीसा आती नहीं थी, मैंने की चलो गायत्री मंत्र सुना दो, उनको गायत्री मंत्र भी नहीं आता था, उनके बैग में लिखा हुआ था जय श्री राम, मैंने की चलो राम जी के भाई का नाम बता दो, उन्हें वो भी नहीं पता था। अब अगर कोई मेरे धर्म का हमारी रीति रिवाजों का गलत मजाक उड़ाएगा वो भी अपने पैसे कमाने के लिए, तो वो चीज एक्सेप्टेबल नहीं है ना। अरे हाँ हाँ भाई पता है सबको, तू इसी वीडियो से तो फेमस हुआ था इंटरनेट पे ढोंगी बाबाओं की पिटाई करके। वैसे क्या बंदा ना ये जिसकी लाइफ अचीवमेंट ही कुटाई पिटाई जेल। चलो ये सब तो फिर भी ठीक है लेकिन तू ये सब यहाँ क्यों बता रहा है? इंट्रोडक्शन मांगी तेरी, अपनी ऑटोबायोग्राफी क्यों बताने लग गया, और वो भी दीपक कलाल की आवाज में? वो 3 बाबा थे,
मेरे हाथ में हथौड़ा था, साला मुझसे तो बोला भी नहीं। यारा भाई तो खुद ही बोल के बता दे एक बार। तो बोलोगे मेरी मर्जी है तो मेरी मर्जी बहुत चीजों में है और जो करूंगा, और तेरे पे जो पाड़ा जाए पाड़ लियो। भाई जब लगवा ही रहा था तो एक दो इंजेक्शन अपने गले में भी लगवा लेने थे ताकि तेरी आवाज में भी थोड़ा दम आ जाए, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन कुछ हजम सा नहीं हो रहा। साला बॉडी से बाहुबली और आवाज से अनारकली। चलो छोड़ो भाई इसको, इसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि बाहर वो गवार एल्विश भाई भी अपनी पूरी आर्मी के साथ इसको सपोर्ट कर रहा है। वैसे सपोर्ट से याद आया, ये एल्विश भाई की आर्मी ने तो पिछले सीजन वो यूके राइडर को भी सपोर्ट किया था ना। सोलह सदस्य घर में, दो घर में रहने के बावजूद जेल में। अरे नहीं यार बिग बॉस, ये तुमने गलत किया है। जिसको जेल में डालना चाहिए था वो तो बाहर खुला घूम रहा है। अरे ये घूम फिर के बाद फिर इसी पे आ गई, फिर ये बाहर निकल के मुझसे मेरी लोकेशन मांगेगा। अरे रजत भाई छोड़ दो मेरा पीछा यार, इससे ज्यादा फोटेज मैं तुम्हें अपनी वीडियो में और नहीं दे सकता। और भी कॉन्टेस्टेंट है जो लाइन में लग रखे हैं मुझसे अपनी बेइज्जती करवाने के लिए। बताओ क्या चाहिए तुम्हें, तुम्हें लोनली लग रहा है? मैं बात करूंगी तुमसे, कैसा लग रहा है तुम्हें घर में? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। वाह जी वाह, इसे कहते हैं फोटेज के लिए गधे को भी अपना बाप बनाना। वैसे गधे से याद आया मुझे, हम बढ़ते हैं अपने अगले कंटेस्टेंट की ओर। है बड़े ही लोकप्रिय पॉलिटिकल लीडर गजेंद्र सिंह बग्गा। सत श्रीकाल। अरे नहीं सल्लू भाई, ये तो गलत इंट्रो दे दिया आपने, इनकी असली इंट्रो तो मैं देता हूँ। गधा और घोड़ी का जब आपस में केमिकल रिएक्शन हो जाए तो उसका रिजल्ट निकलता है खच्चर, और वो ये है। ये आदमी ट्विटर पे बस कंट्रोवर्शियल ट्वीट्स करके आज बिग बॉस में पहुंच गया है, ऐसा पहले मुझे लगता था। लेकिन नहीं, जब मैंने इनकी कुंडली निकाली तो मुझे पता चला कि ये 3-4 बार जेल भी जाकर आ चुके हैं। तो जैसे कि पिछले सीजन जेल कोटा की वजह से अपने मुनावर भाई बिग बॉस में आए थे, वैसे ही इस बार जेल कोटा की तरफ से ये आए हैं। और इनकी सजा बाहर शायद थोड़ी बहुत बच रही होगी, जो बिग बॉस ने इनको यहाँ पे लाकर भी जेल में रखा हुआ है। जब मेरा पंजाब वाला कांड हुआ वो तो पता है आपको, जो पुलिस वुलिस है। चलो बढ़िया, ट्विटर पे गाली खाने का कुछ तो फायदा हुआ, MLA की टिकट ना सही लेकिन बिग बॉस में एंट्री तो मिल गई। वैसे भी दोनों में पर्पस तो सेम ही होता है, बैठ के खाने का। बिग बॉस अब तो आप निकाले, नहीं तो हम दोनों ही आपस में लड़ मरेंगे। बिग बॉस लड़ मरेंगे। ए चाचा नोटी नहीं होना यहाँ पे, बिग बॉस ने जेल में डाल रखा तुझे, हनीमून स्वीट नहीं गिफ्ट कर रखा कि लड़की के साथ बंदा यहाँ पे तो रोमांस करेगा। मानना भाई तू बीजेपी से है लेकिन यहाँ का लाइव टेलीकास्ट ना इंडिया के हर घर में HD हर TV पे दिखेगा। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? ओहो मैं ये क्यों भूल गया था कि इनकी अप्रोच तो ऊपर तक है। चलो भाई अब इन अंकल जी को हम यहीं पे छोड़ते हैं क्योंकि इनको बीजेपी की सपोर्ट तो है ही, चलो उसके साथ साथ लेकिन ये ट्विटर पे एक्टिव भी बहुत है, तो मुझे डर है कहीं बाहर निकलने के बाद सबसे पहले ये मुझे ही कैंसिल ना करवा दें। ना पेशी होगी ना गवाही होगी जी, अब तुम हमारे क्लाइंट बनोगे तो जो भी हुज्जत होगी वो खत्म होगी। अब ये बुड्ढा बिग बॉस में क्या कर रहा है? ओ सॉरी, रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट। अंकल जी डाकुओं की फैमिली से हैं और अंकल जी सुप्रीम कोर्ट में लॉयर भी लग रखे हैं और अंकल जी के इंस्टाग्राम पे मुझसे ज़्यादा फॉलोअर्स भी हैं। लेकिन सवाल मेरा फिर भी वही है कि ये बुड्ढा बिग बॉस में कर क्या रहा है? ओके, मतलब बिग बॉस ने हर सीजन एक ना एक वैसे कोई फालतू आदमी बुलाना ही होता है घर का राशन खत्म करने के लिए। चलो वैसे बढ़िया है, हमें भी अंकल जी की वजह से अपनी वीडियो में 1 मिनट का कंटेंट मिल गया। डोंकी को कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, इसलिए फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा देखा। अरे स्किप बटन किधर है इसका? इस दीदी को जल्दी से स्किप करो यार, अगर गलती से मैंने इसका नाम ले दिया ना अपनी वीडियो में 3-4 बार तो मुझ पे तो मोलेस्टेशन का केस डल जाएगा। कुछ भी? अरे नहीं नहीं भाई, मजाक की बात नहीं है, शायद तुम लोगों को ना इसका नाम पता नहीं होगा। चलो मैं ही बता देता हूँ, इसका नाम है चूम। अबे चूमने को नहीं बोला, उसका नाम है वो। अच्छा हुआ दीदी इंडिया में नहीं पैदा हुई। जो सदस्य आने वाले हैं वो सोलो नहीं जोड़ी में आएंगे, यानी कि ये है हस्बैंड एंड वाइफ की जोड़ी। मैं लोगों के माइंड को ट्रेन करता हूँ कि वो जिंदगी की प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सके। ये पता नहीं कौन है लेकिन इनके बिग बॉस में आने पे बड़े बड़े बॉलीवुड के लोगों ने इनको सपोर्ट किया है
और बड़े लोगों से मेरा मतलब है सचमुच में बड़े लोग। आरफिन खान वर्क्स विद द माइंड एंड एज वी ऑल नो इन द बिग बॉस हाउस द माइंड इज ऑलवेज एट प्ले। अरे बस बस आंटी जी, आपका रोल इतना ही था, अब मेरे कैमरे का रोल आप खत्म मत कीजिए और दफा हो जाइए यहाँ से। हाँ तो भाई कहाँ थे हम? हाँ, ये कपल के बारे में बात कर रहे थे। इनको भाई मैं तो नहीं जानता हूँ कौन है ये, लेकिन इनकी स्पोर्ट देखकर मुझे लग रहा है कि ये कोई तगड़ी पार्टी है जिनको शायद मैं ही नहीं जानता हूँ। तो मैंने जाके इनका नाम सर्च किया गूगल पे, गूगल को भी कुछ नहीं पता था, तो उसने मुझे एक यूट्यूब चैनल दिखा दिया जिसके व्यूज़ देखकर मुझे पहले तो लगा कि जैसे इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फ़ैन पेजेस होते हैं शायद अब यूट्यूब पे फ़ैन चैनल्स बनने लग गए हैं। लेकिन फिर मैंने इनकी वीडियो देख ली और मुझे पता चला कि ये चैनल इनका ही है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि साला जितने व्यूज़ इनके वीडियोज़ पे हैं इससे ज़्यादा तो अदनान के फैन पेजेस पे फॉलोअर्स हैं, और जबकि वो तो बिग बॉस में एक हफ्ता तक नहीं टिक पाया था। छोटा मोटा गेम नहीं करने का। ये बिग बॉस वाले भी ना कपल कोटा के नाम पे किसी को भी बुला लेते हैं। वैसे कपल कोटा से याद आया मुझे, यार बिग बॉस वालों क्या कर रहे हो तुम लोग, इससे अच्छा फ्लाइंग बीस्ट को बुला लेते ना, उनकी तो वैसे भी आजकल मार्केट में बहुत हाइप चल रही है। रिलैक्स मैन, चिल चिल डूड चिल। उन्होंने मुझे आज सुबह कॉल किया और मुझसे बोला कि तुम ये शो कर रहे हो। ये स्टोरी मुझे पता है क्यों, इन्होंने खुद ने मुझे बताया है। रियली? मैंने, आप बताइए कि सही है, आप कैसे ऐसे शो कर सकते हो? अच्छा, तो दीदी को सुबह बुलाया और दोपहर तक दीदी अपना टेची पैक करके यहाँ पे पहुँच भी गई। साला मुझे आज तक लगता था कि बिग बॉस की सिर्फ ऑडियंस ही बेरोजगार है, लेकिन आज पता चला कि बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स भी। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। अबे तो इसको बिग बॉस बोल ही क्यों रहे हो, बेरोजगार योजना के तहत बनाया गया शो ही बोल दो ना डायरेक्ट। बुलाते हैं अगले सदस्य को। कलर्स का बेटा हूँ और अब बिग बॉस में आ रहा हूँ सबका बाप बनने। सबका नहीं बेटा, सिर्फ फैन पेजेस चलाने वालों का बाप बोल, इनसे मिलिए। ये है क्या नाम था इसका, चलो खैर छोड़ो नाम में क्या रखा, लेकिन ये है सभी फैन पेजेस का नया चेहरा। इनके बिग बॉस में आने से सभी फैन पेजेस रिन्यू हो गए हैं, रिएक्टिव हो गए हैं। अब वो 2011 का पेज जो कभी हिना खान का हुआ करता था, पिछले हफ्ते तक अदनान का हुआ करता था, अब वो इनके नाम और डीपी से चलेगा। मैं एक्चुअली ना सर गांव से आई हूँ, और लड़की और बहुत सादगी से अपना जीवन। सिंपल लड़की का नाम क्या है? चाहत। वाह, दीदी ने अपना नाम बताने से पहले ही अपना विलेजर कार्ड शो कर दिया। मैं तो गांव से आई हूँ। अरे ठीक है दीदी, मान लिया हमने कि तुम गांव से आई हो, लेकिन तुमने आते ही अपने आप को गवार प्रूव करना की शुरू कर दिया। ये है क्या, गीजर है? अरे वाह, अरे नहीं दीदी, ये तो नाशपाती है। चलो आरओ और गीजर तक का तो माना, लेकिन दीदी तुम्हारा गांव कौन से मंगल ग्रह के कोने में पड़ रहा है जहाँ तक हमारे अंगूर नहीं पहुँच पा रहे? कुछ भी है नहीं, वैसे पता तो इसे सब कुछ है, लेकिन वो क्या है ना दीदी, थोड़ी दिमाग से गजनी है, भूल जाती है बेचारी। तभी तो दीदी ये भी भूल गई कि बिग बॉस जीतने के लिए भी वोट्स की जरूरत पड़ती है। लोग कहते हैं लेकिन आम आदमी पार्टी करती है। लेकिन दीदी इस बार तो आम आदमी पार्टी भी कुछ नहीं कर पाएगी। हाँ अगर जेल में कैदियों पे भी फोन अलाउड हो जाए तो कुछ चांस बन सकता है तुम्हारा। मुझे क्यों तोड़ा? Decoding current VM error. अब ये क्यों आ गया यहाँ पे? और मेरा मतलब है यार, इसका अपना कुछ अलग ही सिस्टम चल रहा है। लोग बिग बॉस से हार के खतरों के खिलाड़ी में जाते हैं, और ये खतरों के खिलाड़ी में जीत के बिग बॉस में आ गया। हाँ, अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि इन दोनों में से सबसे ज्यादा खराब टाइम किसका चल रहा है, बिग बॉस का या फिर खतरों के खिलाड़ी का। चलो खैर छोड़ो हमें क्या, मुझे तो इतना पता है कि जब तक इस देश में बेरोजगारी है ये दोनों शो बंद तो होने से रहे। बेसिकली मैं पंजाब से हूँ और मैंने करीब 4 शो किए। आई डोंट नो क्या हुआ एक दिन, जब मेरे प्रोड्यूसर मुझे पूरे यूनिट के सामने ह्यूमिलेट कर रहे थे, बेइज्जत कर रहे थे, मुझे जलील कर रहे थे, और मुझे वहां से निकाल दिया। लगता है ये बंदे ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी बिग बॉस नहीं देखा है, जो किसी और शो पे ह्यूमिलेट होने के बाद अब बिग बॉस में आ गया। वैसे जो मैं अपनी वीडियो में करता हूँ इसको भी कहीं ह्यूमिलेट करना तो नहीं कहते? निकल, पहली फुर्सत में निकल। यार ये इतना बिग बॉस देखने के बाद तुम्हें ये नहीं लग रहा कि बिग बॉस के मेकर्स हर सीजन हमें सेम स्क्रिप्ट चिपका दे रहे हैं? एक पिछली बार की तरह जेल कोटा से बुला लिया, फिर कपल कोटा से बुला लिया, फिर एक विदेशी कोटा से बुला लिया, एक गांव देहात कोटा से बुला लिया, एक यूं ही वैसे ही मुफ्तखोर कंटेस्टेंट्स पूरा करने के लिए बुला लिया। जो सदस्य आने वाले हैं क्या अभी और भी बच रहा क्या कोई? 2 अक्टूबर था वो दिन जब मैंने दबंग 3 की शूटिंग की थी। 2 अक्टूबर था जब मुझे बिग बॉस की तरफ में थी। ओह सरप्राइज,
अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि इन दोनों में से यादाश्त किसकी कमजोर है, क्योंकि सलमान भाई उस मूवी के खुद प्रोड्यूसर थे। अब इनको यही नहीं पता कि इनकी पूरी मूवी में कौन आके एक्टिंग करके चला गया, या फिर ये औरत क्राउड में खड़े रहने को भी एक्टिंग समझ रही है। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। सर वही ये लोग कबीर सिंह और एनिमल वाले कैटेगरी में है, बट सर हमारा जो इंस्पिरेशन है वो सर तेरे नाम के राधे भैया का है, उनके एग्रेशन और एटीट्यूड के सामने कोई कहां टिका है। शाबाश, आते ही जल्लू भाई की चाटनी शुरू। लगता है बेटा तो अपने घर से होमवर्क करके नहीं आया है, तुझे किसी ने बताया नहीं है कि बिग बॉस में ना वोटिंग होती है। सलमान भाई की चाटने से ना तू बिग बॉस नहीं जीत जाएगा, लेकिन हाँ ये सब करने से शायद तुझे सल्लू भाई अपने फार्म हाउस पर जरूर बुला लेंगे। वैसे जिस हिसाब से बिग बॉस का स्टैंडर्ड गिर रहा है ना, इस शो का अंत निकट है। पिछले सीजन इन लोगों ने वो छपरी को बुलाया था, उसके अगले सीजन ये गवार बुला लिया, उसके अगले सीजन ये जोकर बुला लिया, और इस बार तो डायरेक्ट गदा। अबे ये नहीं, असली वाले की बात कर रहा हूँ। इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि बिग बॉस का अगला सीजन तो डिस्कवरी पे ही आएगा, और उसका होस्ट होगा बियर ग्रिल्स, क्योंकि जंगल में हिरण भी बहुत होते हैं ना। मैं आ जाऊँ क्या? अरे नहीं नहीं सल्लू भाई आप मत आइए, बस मैं जा रहा हूँ, बस लास्ट में थोड़ी लाइक्स की भीख मांग लूँ। देखो भाई ये वीडियो वैसे काफ़ी लंबी हो गई है, अगर तुम लोग यहाँ तक पहुँच ही गए हो तो ऑब्वियसली बात है तुम्हें अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। यहाँ तक आते आते मेरा खुद का गला ख़राब हो गया, चलो मैं भी जाता हूँ दवाई लेने, आप लोग भी दवाई ले लो। अरे क्या बोल रहा हूँ यार, मैं इतना सा बिग बॉस देखने से मेरा दिमाग ख़राब हो गया, और लगता है गले के साथ साथ दिमाग का इलाज भी करवाना पड़ेगा।